नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मैकटेक लर्निंग में। मैं अनिल साहू। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इस क्रेन में कौन कौन से पार्ट्स हैं और इसकी क्या स्पेसिफिकेशन है क्रेन की, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस क्रेन को चलाया कैसे जाता है। इसके लिए हमने एक ऑपरेटर को बुलाया है, तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं और देखते हैं इस क्रेन की ऑपरेशन कैसे की जाती है, मतलब ये क्रेन को चलाया कैसे जाता है। तो ये है हमारे ऑपरेटर तुकाराम जी, जो हमको एक क्रेन को चला के दिखाएंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये जो टंगा हुआ है, ये इसका लोड चार्ट है। इसमें कभी भी जब भी कभी आप ये क्रेन ऑपरेट करें, तो उससे पहले आपको ये जान लेना बहुत ज़रूरी होता है कि ये जो क्रेन है वो कितना लोड उठा सकता है और कितने डिग्री बूम पे क्या इसकी कैपेसिटी रहेगी, ये आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर अगर आप काम करने जाएंगे तो पक्का कुछ ना कुछ एक्सीडेंट आप कर बैठेंगे, तो इसके बारे में जानकारी लेना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए अब हम आपको मिलवाते हैं तुकाराम जी से, जो ये क्रेन चला के दिखाएंगे। ये हमारे ऑपरेटर हैं तुकाराम जी। तो तुकाराम जी, आप हमको ये बताइए कि ये क्रेन को कैसे स्टार्ट करेंगे, कैसे इसके मतलब फंक्शंस काम करेंगे, ज़रा हम आप हमको ये चीज़ को करके दिखाइएगा थोड़ा। ये इग्निशन स्विच है, यहाँ से हम लोग SLI चालू करेंगे, बैटरी से पावर लेके ये चालू हो गया। अब ये SLI चालू हो जाएगा। ये बाद में पावर की वो घुमाएंगे इंजन का, ये 10 सेकंड रुकेंगे। स्टार्ट हो जाएगा इंजन, हमारा इंजन स्टार्ट हो गया। बाद में नॉर्मल कंप्यूटर SLI का सेटिंग होता है, क्लियर है सब, देखेंगे चेक करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये अपना सब कंट्रोलिंग फंक्शन चालू करने के लिए ये PTO है, इसको PTO बोला जाता है। इसको सर डाउन करेंगे तो टोटल अपना हाइड्रोलिक फंक्शन चालू हो जाएंगे सब दोनों को, जॉयस्टिक, दो जॉयस्टिक में, इसमें 4 फंक्शन रहता है। ये सब अपना इलेक्ट्रिक लॉक है। ये जैसे हम लोग अभी फर्स्ट विंच को ऑपरेट करना है तो हम लॉक करने के लिए इसका यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट विंच का लॉक निकल गया, बाद में अपना बूम अप डाउन के लोअर के लिए जो ड्रम का लॉक है वो भी ऑन करेंगे, और अपना स्विंग के लिए अपन लॉक होता है उसको भी ऑन कर देंगे। अपना जितना फंक्शन हमको अभी करंट सिचुएशन में ऑपरेट करना है वो चालू कर देंगे। इसके बाद अपना इसमें 4 फंक्शन है, इसमें फर्स्ट ड्रम का हुक नीचे ऊपर होगा, और आगे पीछे करेंगे तो आगे करेंगे तो हुक नीचे होगा, ऊपर करेंगे तो हुक ऊपर हो जाएगा, बाद में इकड़ा लेफ्ट साइड में से करेंगे तो बूम अप होगा, और राइट साइड में करेंगे तो बूम डाउन होगा। जरा एक बार करके दिखाइएगा। देखिए अभी अभी आगे कर रहा हूँ मैं, तो विंच मूवमेंट होगा, आगे नीचे होगा, हुक नीचे होगा। ये आप देख सकते हैं, ये जो विंच है वो देखिए चलना शुरू हो गया है, और रोप देखिए ऊपर की तरफ जा रहा है। और ये देखिए वो जो हुक है वो हुक नीचे की तरफ आना शुरू हो गया। आपका तो पीछे ले लूंगा मैं, अपना ड्रम देख सकते हैं ऊपर हो जाएगा, इंच का ड्रम है वो आप देख सकते हैं पीछे की तरफ घूमना शुरू हो गया है, और ये जो हमारा हुक है ये ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। बाकी इसको लेफ्ट साइड में करेंगे तो बूम अप होगा। अभी देखिए आप देख सकते हैं ये बूम का टीर, देखिए बूम डाउन होगा, डाउन अभी देखिए बूम नीचे की तरफ जा रहा है, अभी 60 डिग्री पे था डाउन, ये बूम जो है देखिए 50 डिग्री की तरफ जा रहा है।
अब इसके राइट साइड दबा दूंगा तो ये बूम अप हो जाएगा। देखिए इन्होंने राइट की तरफ किया तो बूम जो है अभी देखिए अब होना शुरू हो गया। ये आप देख सकते हैं ये बूम जब अप होगा तो ये गैंट्री में जो इसकी पुल्ली लगे हुए हैं देखिए कैसे ऑपरेट हो रहे हैं और इसका ये पीछे वाला मोटर जो है वो ऑपरेट हो रहा है। बाकी अपना लेफ्ट साइड में जॉयस्टिक में अपना स्विंग प्लस लेफ्ट राइट स्विंग और फ्रंट और बैक में अपना सेकंड वाला जो विंच है एक्सिलरी विंच वो काम करेगा। अभी सेकंड वाला अपना काम नहीं करेगा क्योंकि वो यूज में नहीं है। स्विंग करके आपको मैं दिखाता हूँ। अभी अगर ये लीवर को हम लेफ्ट और राइट करेंगे तो लेफ्ट करने से लेफ्ट की तरफ स्विंग होगा और राइट करने से राइट की तरफ स्विंग होगा। अभी ठीक है तो अगर हम जरा करके दिखाइएगा। देखिए अभी राइट सेकंड अभी राइट की तरफ कर रहा हूँ मैं। ठीक है आप देख सकते हैं ये जो अलार्म बज रहा है ये स्विंग अलार्म होता है। स्विंग अलार्म होता है और स्विंग होता है। कभी ट्रेन लेफ्ट या राइट की तरफ स्विंग करता है तो कोई अगर आसपास खड़ा हो तो वो कॉन्शियस हो जाए उसके लिए ये अलार्म दिया हुआ होता है ट्रेनों में। आप देख सकते हैं अभी मैं लेफ्ट की तरफ कर रहा हूँ। वो देखिए वो उसको लेफ्ट की तरफ कर रहे हैं। ये देखिए ट्रेन जो है वो लेफ्ट की तरफ जा रहा है। आप देख सकते हैं ट्रेन लेफ्ट की तरफ मूव हो रहा है। तो इस तरीके से ये दोनों लीवर काम करते हैं। जब भी कभी आप इसे वर्किंग कंडीशन में काम कर रहे हैं उससे पहले आप जो है ये लॉक को जरूर खोलेंगे जो अभी तुकाराम जी ने बताया था और जैसे ही इसका काम खत्म हो जाए उसको वापस से लॉक करना बहुत जरूरी है क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव लिफ्टिंग इक्विपमेंट होता है क्रेन जो है। अब ये जो है ये सामने वाले लीवर के इस्तेमाल जरा बताइएगा तुकाराम जी। ये अपना क्रावलर फ्रंट और बैक करने के लिए यूज होता है। ये अपना लेफ्ट साइड का क्रावलर और ये राइट साइड का क्रावलर। तो जैसा कि ये बताया है ये जो दोनों लीवर है ये वाला जो है ये इसके राइट साइड के क्रॉलर को ऑपरेट करने के लिए है और ये जो है ये इसके लेफ्ट साइड के क्रॉलर को ऑपरेट करने के लिए दिया हुआ है। अभी हम अभी फ्रंट में इसको दबाएंगे तो क्रॉलर फ्रंट में मार देख सकते हैं उन्होंने आगे की तरफ ऑपरेट किया। ट्रेन आगे की तरफ जा रहा है क्रॉलर आगे की तरफ ऑपरेट हो रहा है और बैक ये देखिए इन्होंने पीछे की तरफ लीवर किया। तो अब फ्रेंड शायद आपको ये दोनों लीवर का फंक्शन आपको समझ में आ गया होगा। अब तुकाराम जी ये डिस्प्ले के बारे में जरा बताइएगा। डिस्प्ले में देखिए अभी इसमें अपन को कैपेसिटी क्या है क्रेन का प्लस बूम का हाइट कितना है और रेडियस कितना है डिग्री कितना है वो सब ये SLI में आता है। यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा कि 15 टन कैपेसिटी है। ये मतलब 15 टन का कैपेसिटी अभी अपने पास है। बाकी यहाँ पे डिग्री दिख रहा है कितना एंगल पे बूम है। बाद में ये रेडियस है आपका क्रेन के सेंटर से लेके आपका हुक का कितना दूरी है वो दिखा रहा है और ये इसी के हिसाब से ये लोड चार्ट भी काम करेगा। बाकी यहाँ पे अपना ये तो कैलिब्रेशन है अपना बूम लेंथ 40 मीटर है। बाकी हुक का रिविंग जो फॉल होता है वो रिविंग कितना डाला हुआ है बस यही है यहाँ पे। बाकी ये नीचे में अपना HMR होता है। बाकी ये RPM है। बाकी ये इंजन का प्रेशर होता है। ये अपना है कूलेंट का टेम्परेचर। बाकी ये फ्यूल कितना परसेंटेज में अपना और ये है लेवल जो अपना क्रेन का लेवल अप डाउन जो बताता है X और Y लेवल किस कंडीशन में खड़ी है। हाँ किस कंडीशन में वो दिखाता है। ये अभी ब्लैक में है मतलब अपना नॉर्मल अपना लेवल में है मशीन। थोड़ा बहुत ग्रीन जिस डायरेक्शन में ग्रीन हो जाएगा वो लेवल नॉर्मल अप डाउन है ऐसे। बाकी ये है ये जो अपना RPM पैंडल है। ये हमारा रेस बढ़ाने के लिए मतलब लाइक एक्सेलरेट करने के लिए एक्सेलरेटर दिया हुआ है। बाकी यहाँ पे अपना एक इमरजेंसी स्टॉपर रहता है ट्रेन में कि बाई चांस इमरजेंसी में कुछ मशीन में कोई प्रॉब्लम आ जाए इसको इमरजेंसी दबाया देंगे तो अपना इंजन वगैरह बंद हो जाएगा।
बाकी ये तो फायर एक्सटिंग्यूशर है, कभी भी इमरजेंसी में ट्रेन में फायर एक्सटिंग्यूशर होना बहुत जरूरी है। और स्क्रीन में एसी भी है, बट जनरली अभी वो मौसम नहीं है एसी का, तो अभी वो इस्तेमाल नहीं किया था। ये देख सकते हैं ये पीछे की तरफ में ये जो होल दिख रहा है, ये एसी का वेंट है। और ये उसके बगल में जो है उसके स्पीड कंट्रोल का स्विच दिया हुआ है, आप देख सकते हैं वो एसी के कंट्रोल है। और ये सब जो आप देख रहे हैं ये सब वाइपर के कंट्रोल, लाइट के कंट्रोल, वो सब है आप दिए हुए। तो इस तरीके से ये क्रेन के फंक्शन जो है वो ऑपरेट होते हैं। और धन्यवाद तुकाराम जी आपका, जो आपने हमको ये क्रेन चला के बताया और इसके फंक्शन किस तरह से काम करते हैं, कौन कौन से पार्ट्स किस तरह से काम करते हैं, ये भी आपने हमको बताया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, ये कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। और इसी तरह के रोचक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।